हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव डैश रेफर्स टू द ग्रामेटिकल रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज। ओके, तो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो करने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सिंटैक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय। तो पाइथन को किसने क्रिएट किया था? आई होप सभी को आंसर इसका पता होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका गाइडो वन रॉसम। गाइडो वन रॉसम ने क्रिएट की थी पाइथन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेन्यू इज जनरली यूज टू एडिट द फाइल इन यूज। तो कौन सी मेन्यू जो है वो यूज फाइल को एडिट करने के लिए यूज होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका एडिट मेन्यू। ओके, एडिट मेन्यू की हेल्प से हम करंटली ओपन फाइल को एडिट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। सो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक वी हैव इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड डैश गिविंग द आउटपुट। तो इंटरेक्टिव मोड में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं? दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय लाइन बाय लाइन। ओके, तो लाइन बाय लाइन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स द डेटा। तो उस मेमोरी लोकेशन का क्या नेम होता है जिसको हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं? दैट इज नोन एज वेरिएबल। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका वेरिएबल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन डैश कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो पाइथन के किस चीज को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते? तो पाइथन के कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा कीवर्ड। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स को। ओके, सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स वी हैव टू इवेल्युएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज प्रिंट फंक्शन। तो किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसके साथ में प्रिंट फंक्शन को यूज करें। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमें किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है तो जरूरी नहीं कि हम उसके साथ में प्रिंट फंक्शन को यूज करें। ओके, हम बिना प्रिंट फंक्शन के भी उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट डिजिट और अंडरस्कोर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। ये तीनों चीजें ही वेरिएबल के नेम में हो सकती हैं। तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, अ स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम दैट यू टाइप इन पाइथन। तो स्क्रिप्ट एक प्रोग्राम होता है जो आप पाइथन में टाइप करते हैं। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, दैट इज इन पाइथन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। तो पाइथन में सिर्फ ओनली वन टाइप का ही डेटा मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पाइथन में हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात हो रही होती तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, क्योंकि वेरिएबल में एक टाइम में सिर्फ एक डेटा टाइप को ही स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है पाइथन में ओनली वन डेटा टाइप को यूज किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, प्रिंट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम द यूजर। तो प्रिंट फंक्शन जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन का काम इनपुट लेने का नहीं होता है। इनपुट लेने के लिए हमारे पास में इनपुट फंक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, दैट इज द स्ट्रिंग वैल्यूज कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो स्ट्रिंग वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपस में। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दो डिफरेंट स्ट्रिंग वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, व्हेन वी यूज कॉमा ऑपरेटर एज अ सेपरेटर अमंग द वैल्यूज The values are displayed with the space between them. तो जब हम कॉमा ऑपरेटर को एज अ सेपरेटर यूज करते हैं वैल्यूज के बीच में, तो जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी स्पेस के साथ डिस्प्ले होती हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा ही होता है। जब भी आप कॉमा ऑपरेटर को एज अ सेपरेटर यूज करते हैं तो वैल्यूज होती हैं वो स्पेस के साथ में प्रिंट होती हैं। ओके, तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वी हैव, कार्तिका'स कंप्यूटर टीचर हैज गिवन हर एन असाइनमेंट टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स सेपरेटेड विद द टैब स्पेस इन द पाइथन विच सेपरेटर शी शुड यूज विद द प्रिंट फंक्शन। तो कार्तिका के कंप्यूटर टीचर ने उसे असाइनमेंट दिया है कि उसे पाइथन में फ्रूट्स के नेम टैब के स्पेस के साथ में डिस्प्ले कराने हैं। तो इस काम को करने के लिए वो कौन सा सेपरेटर यूज करें? ओके, तो इस काम के लिए वो यूज कर सकती है बैकवर्ड स्लैश टी। तो आंसर हो जाएगा शी शुड यूज बैकवर्ड स्लैश टी सेपरेटर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन। So next application based question we have, Aman is working on mathematics project work. He has to perform some quick calculation. Which mode of Python programming should he use for doing calculation? तो अमन जो है वो एक math project पे work कर रहा है और उसे quickly कुछ calculations को करना है, तो वो Python के कौन से mode को use करे?
इंटरेक्टिव मोड को यूज करें या फिर आपका स्क्रिप्ट मोड को यूज करें। वैसे यहाँ देने रखा है इंटरेक्टिव मोड या स्क्रिप्ट मोड, तो इसका आंसर जो होगा वो इंटरेक्टिव मोड हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्टिव मोड को हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा ही शुड यूज इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन। ओके, तो आपके इस चैप्टर में ओनली टू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड बाय द पाइथन। तो इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो पाइथन सपोर्ट नहीं करता है? नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट। तो नंबर्स जो है वो कोई डेटा टाइप नहीं होता है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है और लिस्ट भी डेटा टाइप होता है पाइथन में, लेकिन नंबर्स कोई नहीं होता है, नंबर्स की जगह पाइथन में इंटीजर डेटा टाइप होता है। ओके, तो नंबर जो वो रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इट्स प्रीवियस वैल्यू गेट्स डैश। तो जब आप वेरिएबल में कोई न्यू वैल्यू पास करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू क्या होती है? गेट एक्सेप्टेड, गेट ओवररिटन और गेट ओवरलैप। मतलब इनमें से क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाती है, ओवररिटन हो जाती है या फिर ओवरलैप्ड हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओवररिटन। क्योंकि जब भी आप न्यू वैल्यू पास करते हैं तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, वो हट जाती है वहां से, न्यू वैल्यू वहां पे पास हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ओवररिटन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज टू अ वेरिएबल आर असाइंड यूजिंग द डैश ऑपरेटर। तो वेरिएबल में हम वैल्यूज को किस ऑपरेटर की हेल्प से असाइन करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्ट्रिंग की हेल्प से, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वी हैव, द डेटा टाइप फॉर 12.4 शुड बी। तो 12.4 के लिए कौन सा डेटा टाइप होगा? इंट होगा, फ्लोट होगा या एसटीआर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्लोट, क्योंकि हमारी पॉइंट वाइज वैल्यू जो होती है वो फ्लोट डेटा टाइप में आती है। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी, फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव टैब स्पेस वाइल प्रिंटिंग द स्टेटमेंट वी यूज। तो टैब स्पेस को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं? बैकवर्ड स्लैश टी का यूज करते हैं या फॉरवर्ड स्लैश टी का यूज करते हैं या फिर टैब की का यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बैकवर्ड स्लैश टी। ओके, बैकवर्ड स्लैश टी का यूज करते हैं हम टैब स्पेस को देने के लिए प्रोग्राम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया वेयर वी टाइप द कोड इज कॉल्ड। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं हम जहां पे कोड टाइप करते हैं? ए, वर्क एरिया, बी, वर्कशीट, सी, स्क्रिप्ट एरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्क्रिप्ट एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट 10 प्लस 20 विल गिव आउटपुट। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में 10 लिखते हैं और फिर 20 इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? ए, 30 आएगा, बी, 10 20 आएगा या फिर सी, 20 10 आएगा। तो इसका करेक्ट आउटपुट होगा 10 20, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 10 20 आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो दोनों को ज्वाइन करके प्रिंट कर देगा। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीट ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन में आपको पाइथन के कोई भी 4 फीचर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइथन के 4 फीचर लिख दिए हैं, कौन कौन से लिखे हैं देखिए। नंबर 1, इट इज एन ईजी टू लर्न जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो पहला फीचर तो ये हो गया, ये ईजी टू लर्न है। ओके, एंड नेक्स्ट, इट हैज अ सिंपल सिंटैक्स। तो पाइथन के सिंटैक्स जो है वो बहुत सिंपल होते हैं। एंड नेक्स्ट इज, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। एंड फोर्थ इज, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन जो वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ओके, तो ये पाइथन के 4 फीचर हो गए। अगर आप चाहो तो पाइथन के जो और फीचर होते हैं उनमें से भी लिख सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर है कि कौन से 4 फीचर आप लिखना चाहते हो। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज अ वेरिएबल, डिस्कस द रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है वेरिएबल क्या होता है और उसके नेमिंग रूल्स भी आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। तो वेरिएबल क्या है? ये एक तरीके से मेमोरी लोकेशन है जो किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज होती है। ओके, तो ये तो हो गया आंसर हमारे इस पार्ट का कि व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमने बता दिया वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन होती है जो कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब बात करते हैं वेरिएबल के नेमिंग रूल्स की। सो देयर आर अ सर्टन रूल्स इन पाइथन विच हैव टू बी फॉलोड टू फॉर्म वैलिड वेरिएबल नेम। तो क्या रूल होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो जो वेरिएबल होता है उसे आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ। तो फर्स्ट रूल है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल और एन अंडरस्कोर। तो पहला रूल तो यह है कि वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, चाहे वो आपका स्मॉल लेटर में हो चाहे कैपिटल लेटर में हो। मतलब स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से ही होगा, इसके अलावा किसी और चीज से स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड रूल, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर, नो अदर करेक्टर इज अलाउड। तो वेरिएबल के नेम में अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर हो सकते हैं, बट इसके अलावा कोई और स्पेशल करेक्टर आपका अलाउड नहीं होता है वेरिएबल के नेम में। ओके, एंड नेक्स्ट रूल इज, अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो पाइथन के जो कीवर्ड होते हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। सो क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव एक्सप्लेन डिफरेंट वर्किंग मोड ऑफ पाइथन। तो आपको इस क्वेश्चन में पाइथन के वर्किंग मोड के बारे में बताना है। तो कौन कौन से वर्किंग मोड होते हैं हमारे पास पाइथन में? इंटरेक्टिव मोड होता है एक, और एक होता है हमारे पास स्क्रिप्ट मोड। ये दो मोड पाइथन में होते हैं। तो दोनों ही मोड को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं इंटरेक्टिव मोड की। इंटरेक्टिव मोड इज प्रेफर्ड फॉर स्मॉल प्रोग्राम वेयर ओनली फ्यू कमांड्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड। इट रन्स वेरी क्विकली एंड गिव्स द आउटपुट इंस्टेंटली। तो इंटरेक्टिव मोड का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई स्मॉल प्रोग्राम लिखना हो, मतलब छोटा सा प्रोग्राम लिखना हो, तो हम इंटरेक्टिव मोड का यूज कर सकते हैं। जब हमें उसका आउटपुट क्विकली चाहिए होता है तो हम इंटरेक्टिव मोड यूज कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की। स्क्रिप्ट मोड इज यूज फॉर राइटिंग लेंथी प्रोग्राम इन पाइथन। वी कैन क्रिएट एंड एडिट पाइथन प्रोग्राम इन दिस मोड। वी कैन सेव अवर फाइल सो दैट इट कैन बी यूज लेटर। तो स्क्रिप्ट मोड को हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई लेंथी प्रोग्राम लिखना हो, ठीक है। स्मॉल प्रोग्राम के लिए तो इंटरेक्टिव मोड हो गया, लेकिन जब लेंथी प्रोग्राम लिखना होगा हमें तो हम स्क्रिप्ट मोड को यूज करेंगे। ओके, और स्क्रिप्ट मोड में एक एडवांटेज ये भी रहता है कि अपने कोड को आप सेव कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरेक्टिव मोड में आप ये काम नहीं कर सकते थे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। सो क्वेश्चन नंबर फोर वी हैव व्हाट आर डेटा टाइप्स? एक्सप्लेन एनी टू डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो इस क्वेश्चन में आपको डेटा टाइप बताना है, डेटा टाइप क्या होते हैं, और कोई भी दो पाइथन के डेटा टाइप को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो बात करते हैं डेटा टाइप की। इन पाइथन डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। द डेटा स्टोर इन मेमोरी कैन बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप। तो पाइथन में डेटा टाइप को इसलिए यूज करते हैं जिससे कि आप पता लगा सकें कि किस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। ओके, क्योंकि जो मेमोरी में डेटा स्टोर होगा वो स्पेसिफिक टाइप का हो सकता है। अब बात करते हैं पाइथन के टू डेटा टाइप्स की। तो आप कोई भी टू डेटा टाइप्स के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है फ्लोट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। ओके, तो पहले बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप की। फ्लोट डेटा टाइप रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मे बी जीरो एज वेल। फॉर एग्जाम्पल 3.14, नेगेटिव 48.6, 18.0। तो फ्लोट डेटा टाइप को पाइथन में यूज करते हैं हम फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो स्टोर करनी है आपको, तो आप यूज करेंगे फ्लोट डेटा टाइप। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स ऑफ करेक्टर इनक्लोज विद इन कोटेशन मार्क। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप करेक्टर की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। मतलब जब भी कोई चीज आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिख देंगे पाइथन में, तो वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैलो माई नेम 218 पीस एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पे हेलो सिंगल कोट में और माय नेम डबल कोट में। तो कोई भी चीज सिंगल कोट या डबल कोट में लिख दें आप, तो वो एज ए स्ट्रिंग ही मानी जाएगी पाइथन में। ओके, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन? डिस्कस ऑल द सेपरेटर यूज विद द प्रिंट फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रिंट फंक्शन का यूज बताना है, और आपको सेपरेटर्स के बारे में भी बताना है जो प्रिंट फंक्शन के साथ में यूज होते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की। द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिंट द स्पेसिफिक मैसेज। तो प्रिंट फंक्शन का काम किसी भी कमांड का आउटपुट डिस्प्ले करने का होता है। मतलब आउटपुट विंडो में किसी भी कमांड का आउटपुट आपको डिस्प्ले कराना है, तो आप करेंगे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। और प्रिंट फंक्शन में आपको स्पेसिफिक मैसेज भी दे सकते हैं, वो मैसेज आपका आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सेपरेटर्स की। फॉलोइंग सेपरेटर्स कैन बी यूज विद प्रिंट फंक्शन टू फॉर्मेट आउटपुट। कौन कौन सी है देखिए। फर्स्ट हमारा कॉमा सेपरेटर। व्हेन यू यूज कॉमा ऑपरेटर एज अ सेपरेटर अमंग द वैल्यूज आर डिस्प्लेड विद स्पेस बिटवीन देम। तो पहला सेपरेटर तो हमारा कॉमा ऑपरेटर है। तो जब भी आप कॉमा को एज अ सेपरेटर वैल्यूज के बीच में रखेंगे, तो वैल्यू स्पेस के साथ प्रिंट होंगी। ओके, अब बात करते हैं सेकंड सेपरेटर की, जो कि हमारा बैकवर्ड स्लैश टी सेपरेटर। तो इसका काम क्या होता है? व्हेन यू यूज बैकवर्ड स्लैश टी एस्केप सीक्वेंस एज अ सेपरेटर अमंग द वैल्यूज आर डिस्प्लेड विद द टैब स्पेस बिटवीन देम। तो जब भी आप बैकवर्ड स्लैश टी को वैल्यूज के बीच में एज अ सेपरेटर यूज करेंगे, तो जो वैल्यू होंगी वो टैब के स्पेस के साथ में डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेपरेटर की, जो कि हमारा बैकवर्ड स्लैश एन सेपरेटर। तो बैकवर्ड स्लैश एन क्या करता है देखिए। इट इज अ न्यू लाइन करेक्टर इन पाइथन, इज यूज टू एंड अ लाइन एंड स्टार्ट अ न्यू लाइन। तो बैकवर्ड स्लैश एन का अगर आप कहीं भी प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो वहां पे वो लाइन जो होगी एंड हो जाएगी और न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एन इंटरप्रेटर? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाइलर? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है इंटरप्रेटर क्या होता है और ये कंपाइलर से किस तरीके से डिफरेंट होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। An interpreter is a computer program which converts each high-level program statement into machine code. तो interpreter क्या होता है? Computer program होता है जिसका काम क्या होता है? जो high-level language में code लिखा हुआ होता है उसको machine की language में convert करना, यही काम होता है हमारे interpreter का। Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं कि इंटरप्रेटर किस तरीके से कंपाइलर से डिफरेंट है। तो कंपाइलर का भी काम सिमिलर ही होता है, बट इंटरप्रेटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपाइलर से। कैसे होता है देखिए बात करते हैं। इंटरप्रेटर इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाइलर बिकॉज इट ट्रांसलेट जस्ट वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम एट अ टाइम इनटू मशीन कोड, व्हाइल अ कंपाइलर स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट द होल ऑफ इट इनटू मशीन कोड एट वंस। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में मेन डिफरेंस ये होता है, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक टाइम में एक स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट करता है, मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है ये कोड को। लेकिन कंपाइलर जो होता है वो पूरे के पूरे कोड को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। तो यही डिफरेंस होता है हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो आपकी बुक में एक्टिविटी सेक्शन दे रखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एक्टिविटी सेक्शन में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, राइट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ कोड ऑफ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनका कि आपको आउटपुट बताना है कि क्या होगा आउटपुट। ओके, तो ए पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट इंडिया कॉमा डेली। तो इसमें दोनों ही वर्ड इंडिया एंड डेली इन्वर्ट कॉमास में है, ठीक है, दोनों को ही इन्वर्ट कॉमा में रख के प्रिंट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे प्रिंट हो जाएगा और कॉमा लगा हुआ है तो बीच में स्पेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंडिया एंड डेली, ठीक है। तो हमारा आउटपुट जाएगा फर्स्ट वाले का इंडिया डेली। अब ए पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट इंडिया बैकवर्ड स्लैश टी डेली। तो यहाँ पे भी दोनों वर्ड कोटेशन मार्क के अंदर है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में बैकवर्ड स्लैश टी को लगा दिया गया है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एक टैब का स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया प्रिंट होगा, उसके बाद में टैब का स्पेस आएगा, फिर डेली प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट आपका आ जाएगा, देखिए इस तरीके से टैब का स्पेस बीच में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं ए पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है, प्रिंट इंडिया बैकवर्ड स्लैश एंड डेली, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, इंडिया एंड डेली दोनों कोटेशन मार्क के अंदर है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है, बैकवर्ड स्लैश एन, तो क्या होगा, पहले इंडिया प्रिंट होगा, फिर इसके बाद में एक न्यू लाइन स्टार्ट होगी, उसके बाद न्यू लाइन में आएगा डेली। तो ये जो होगा इंडिया डेली दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। ओके, देखिए इस तरीके से आएगा इंडिया देन डेली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए पार्ट का। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक वेरिएबल ए इसकी वैल्यू 10 है, बी वेरिएबल है इसकी वैल्यू 20 है, उसके बाद में सी वेरिएबल बनाया है, और सी वेरिएबल में क्या बोला गया है, ए प्लस बी, मतलब ए और बी की वैल्यू को प्लस करो, ठीक है, फिर इंटू कर दो 4। तो मतलब क्या है, ए और बी की वैल्यू प्लस हो जाएगी और वो इंटू हो जाएगी 4 से, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी सी वाले वेरिएबल के अंदर। फिर कर दिया प्रिंट सी, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी प्रिंट करने के बाद में, हमारी वैल्यू आएगी 120, क्योंकि 10 प्लस 20 हो गया 30 और 30 इंटू 4 हो गया 120, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी ए पार्ट के कुछ और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए इक्वल 10 है, लेकिन 10 जो वो डबल कोट के अंदर है, ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। इसी तरीके से बी इक्वल 20 है, तो 20 भी डबल कोट में, तो ये भी एज अ स्ट्रिंग पास होगा बी के अंदर, और फिर प्रिंट कर दिया ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट कर दिया, तो क्या आउटपुट आएगा, 10 20। क्यों आएगा 10 20, क्योंकि जो 10 और 20 है ये दोनों ही स्ट्रिंग है, तो दोनों की वैल्यू क्या करेगा, ये ज्वाइन कर देगा, ठीक है, ऐड नहीं करेगा, ज्वाइन कर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को ज्वाइन करके प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आउटपुट आएगा 10 20, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ए इक्वल 10 है, बी इक्वल 20 है, और सी इक्वल ए प्लस बी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रिंग नहीं है ये, अब ये वैल्यू है, तो इन दोनों को ये प्लस कर देगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इन दोनों को प्लस कर देगा, तो प्लस करने के बाद में जो वैल्यू होगी वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगी, तो सी को यहाँ पे प्रिंट करा गया है, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, 30। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 30। ओके ओके, तो ये एक्टिविटी सेक्शन के हमने ए पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं एक्टिविटी सेक्शन के बी पार्ट को। तो बी पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग दैम। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनको कि आपको करेक्ट करके लिखना है। तो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं देखते हैं। तो पहला है इसमें 10 इक्वल सी, ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 10 इक्वल सी नहीं होगा, ये होगा आपका C इक्वल 10, क्योंकि वैल्यू जो असाइन होगी वो सी के अंदर होगी, ना कि 10 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर C इक्वल 10। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, देखिए प्रिंट इंडिया, लेकिन यहाँ पे प्रिंट का पी कैपिटल है, तो ये हमारा गलत है, तो इसको हम सही कर देंगे, इसको हम लिख देंगे इस तरीके से, प्रिंट के पी को स्मॉल करके लिख देंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में भी देखिए क्या है, प्रिंट का पी कैपिटल है, एज जो है वो वेरिएबल है, तो प्रिंट का पी स्मॉल कर देंगे, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे प्रिंट एज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ए इक्वल 10 है, बी इक्वल 20 है, और यहाँ पे करा है इन्होंने ए प्लस बी इक्वल सी, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे होगा सी इक्वल ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस यही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, सी इक्वल ए प्लस बी, बस ये चीज चेंज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ओके, तो ये कंप्लीट कर लिया हमने एक्टिविटी सेक्शन के सारे क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपकी बुक में एक लैब सेक्शन भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए बोले गए हैं, तो उनको भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं उन प्रोग्राम को किस तरीके से बनाएंगे। ओके,
तो लैब सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन द इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स दे रखी हैं जिनको आपको इंटरैक्टिव मोड में चलाने के लिए बोला गया है। तो पहली कमांड देखते हैं। तो पहली कमांड आपको ये टाइप करनी है इंटरैक्टिव मोड में, 2 × 3.14 × 5। ठीक है, ये कमांड आप टाइप करेंगे इंटरैक्टिव मोड में तो क्या आउटपुट मिलेगा आपको, अगर आप इस कमांड को टाइप करेंगे तो आपको आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट आपका जनरेट करेगा इंटरैक्टिव मोड। ये मैं चला के देख चुका हूँ, आप लोग भी अपने कंप्यूटर पर चला के देख लेना इसको। नेक्स्ट कमांड है 4 + 5 / 3 × 8 - 5। तो इस तरीके से ये सेकंड कमांड है, ये टाइप करनी है आपको इंटरैक्टिव मोड में। जब इस कमांड को टाइप करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा ये आउटपुट आपको इंटरैक्टिव मोड में मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इन दोनों कमांड को इंटरैक्टिव मोड में चला के देख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया ए पार्ट। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में देखिए क्या है, राइट द कोड फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। तो इसमें आपको स्क्रिप्ट मोड का यूज करके कुछ प्रोग्राम लिखने हैं। कौन कौन से प्रोग्राम है, तो पहला प्रोग्राम देखते हैं क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई, वेयर एक्स इक्वल 150 एंड वाई इक्वल 200। ठीक है, तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि आपको टू नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, जहां पे कि एक्स वाई दो वेरिएबल होंगे, एक्स की वैल्यू 150 होगी और वाई की वैल्यू 200 होगी। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट आपको करके दिखाना है। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ जल्दी से किस तरीके से आप बनाएंगे प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको अपना पाइथन आइडली ओपन कर लेना है। ठीक है, तो ये पाइथन आइडली ओपन हो गया है। तो हमें बोला गया है स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम बनाने को, तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। तो ये अब हमारा स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया है। सभी क्वेश्चंस के लिए आपको इस तरीके से करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप कोड टाइप करते हैं। तो वहां पे दे रखा है कि दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू है 150। ठीक है, और वाई की वैल्यू है 200। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वल कर देते हैं एक्स इंटू वाई। ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं प्रोडक्ट, और इसके बाद में इसको रन कर देते हैं। उससे पहले इसको सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, नेम देता हूँ उसका, प्रो नाम दे देता हूँ, सपोज pro.py। सेव कर दिया मैंने, अब इसको रन करा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट टेक्स 3 आवर्स टू ड्राइव अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर ऑन अ मोटरवे, क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 3 घंटे में अगर आप 192 किलोमीटर मोटरवे से ड्राइव कर लेते हैं तो आपको एवरेज कैलकुलेट करके स्पीड बतानी है कि वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है। ओके, तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। और ये हम ऑलरेडी स्क्रिप्ट मोड में है क्योंकि उसी प्रोग्राम को मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू कोड लिख देते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं, डिस्टेंस के लिए डी बना देता हूँ मैं, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 192 किलोमीटर। ठीक है, 192 कर दिया। एंड इसके बाद में टाइम दे रखा है, तो टाइम के लिए टी बना लेता हूँ, और कितना दे रखा है 3 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। ओके, अब हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं ए बी एस, मतलब एवरेज स्पीड, और यहाँ लगा देते हैं इक्वल का साइन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस हमारे पास में है उसको डिवाइड कर देंगे हम टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे डी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया टाइम से। ठीक है, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ प्रिंट कर देते हैं प्रिंट, और यहाँ मैसेज देता हूँ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ मैसेज देता हूँ, और इसके बाद कॉमा लगा कर देता हूँ ए बी एस को प्रिंट। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो ये देखिए हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ गई है। ठीक है, मतलब 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, मतलब 1 घंटे में 64 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है सर्किल के सर्कमफ्रेंस एंड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे कोड लिखते हैं, कोड को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले यूजर से रेडियस ले लेते हैं, रेडियस। ओके, और इसको कर देते हैं फ्लो डेटा टाइप का, जिससे कि वो पॉइंट वाली वैल्यू भी एंटर कर पाए। एंड इसके बाद में यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं यूजर से इनपुट, एंड यहाँ मैसेज देते हैं एंटर रेडियस। ठीक है, ये मैसेज दे दिया मैंने। इसके बाद हमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, तो सपोज मैं सर्कमफ्रेंस के नाम से ले लेता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे इक्वल करके कंडीशन लगा देंगे। तो सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, तो 2 कर देंगे इनटू, फिर पाई की वैल्यू दे देंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। ठीक है, ये पाई की वैल्यू हो गई।
इनटू आर, आर क्या हमारा रेडियस, ठीक है, तो यहां लिखूंगा रेडियस। ओके, तो इस तरीके से हमारा सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद में हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया के लिए यहाँ वेरिएबल दे देता हूँ एरिया, और यहाँ इक्वल लगा देता हूँ। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 इंटू आर, आर का मतलब रेडियस, इंटू आर, फिर रेडियस लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। फिर दोनों को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये लिख दिया मैंने, एंड कॉमा सर्कमफ्रेंस। ओके, तो वेरिएबल का नेम दे दिया हमने। इसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से एरिया को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, ये मैसेज दे दिया, कॉमा एरिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ जैसे कि आउटपुट थोड़ा ठीक लगे, ठीक है, ऐसे यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, और अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रोग्राम चल गया है। तो ये आपसे रेडियस मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस एंटर कर देता हूँ मैं, सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ 10, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल देगा और उसके बाद में एरिया ऑफ सर्कल भी कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये देखिए इसने कैलकुलेट कर दिया है, ये आ गया हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे सर्कल की स्पेलिंग गलत हो गई है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो आउटपुट है वो कैलकुलेट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, कैलकुलेट द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है, यूजर से नेम लेना है और उसके मार्क्स लेने हैं 5 सब्जेक्ट के। उसके बाद में आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद में उसकी परसेंटेज को भी कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोड को हटा देता हूँ और न्यू कोड यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर से क्या एंटर करवाएंगे, रोल नंबर, तो मैं देता हूँ रोल नंबर के नेम से वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ यूजर से एंटर करो रोल नंबर। ओके, ये मैसेज दे दिया मैंने। इसके बाद में स्टूडेंट का नेम एंटर करवाना है, तो यहाँ लिख देता हूँ नेम, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और यहाँ पे भी इनपुट करवा लेते हैं, तो मैसेज देते हैं एंटर स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, ये मैसेज दे दिया हमने। इसके बाद में एंटर करवाएंगे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ सब्जेक्ट का नेम हिंदी, ठीक है, हिंदी ले लिया फर्स्ट सब्जेक्ट का नेम, और इसमें एंटर करवाएंगे हम यूजर से इंटीजर टाइप वैल्यू, तो इंट लगा देंगे, एंड इसके बाद में इनपुट फंक्शन लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ मैसेज दे देंगे एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी। इसके बाद में इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ मैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, इस तरह पेस्ट कर देता हूँ मैं, पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड एक बार ऑफिस कर देता हूँ, ठीक है। तो हिंदी हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश। ओके, यहाँ पे इंग्लिश कर दिया, एंड इसके बाद में यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे कर देता हूँ सपोज मैथ्स, ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैथ्स कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ कर देता हूँ सपोज साइंस, ठीक, और यहाँ पे भी साइंस कर देता हूँ, एंड इसके बाद में यहाँ कर देता हूँ सपोज कंप्यूटर। ओके, एंड यहाँ पे भी कंप्यूटर। ओके, ये हो गया हमारा, एंड इसके बाद टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं टोटल नाम से वेरिएबल, और इसके अंदर कर देते हैं सारे सब्जेक्ट को, प्लस हिंदी, प्लस इंग्लिश, प्लस मैथ्स, प्लस साइंस, प्लस कंप्यूटर। ओके, तो सारे सब्जेक्ट का टोटल होकर टोटल वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, इसके बाद परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज पी आर नाम से बना दिया मैंने ये। ओके, एंड इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए टोटल को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। ओके, तो टोटल हमारा कहाँ पे, टोटल वेरिएबल में, तो टोटल लिख देंगे यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट जो है 5 है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे 5, तो क्या होगा, परसेंटेज कैलकुलेट होकर पीआर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके ओके, तो इतना काम हो गया हमारा, अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो लिखते हैं प्रिंट, तो सबसे पहले प्रिंट करते हैं रोल नंबर को, ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ मैं रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर प्रिंट होगा, रोल नंबर में रोल नंबर इस तरीके से है, ठीक है। तो पहले प्रिंट कर दिया मैंने रोल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैसेज दे देता हूँ एक रोल नंबर, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट होगा, जिससे कि लिखा हुआ आएगा रोल नंबर, और जो रोल नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बीच में कॉमा रह गया, कॉमा लगा देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नेम, ठीक है, तो लिख देता हूँ प्रिंट नेम, ठीक
ये नेम लिख दिया मैंने, एंड इसके बाद में कॉमा लगा के वेरिएबल का नेम। ओके नेम, तो हमारा नेम प्रिंट हो जाएगा। एंड इसके बाद में टोटल को प्रिंट करता हूँ, तो टोटल मार्क्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड इसके बाद में टोटल वेरिएबल का नेम। ओके एंड इसके बाद में प्रिंट करेंगे परसेंटेज को, तो यहाँ लिख दूंगा परसेंटेज, एंड परसेंटेज वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है ओके, अब मैं इसको रन करा देता हूँ। तो देखिए प्रोग्राम चल गया है, और ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है एंटर रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर एंटर कर देता हूँ, सपोज मैं कर देता हूँ 5। ओके इसके बाद में देखिए बोल रहा है एंटर स्टूडेंट नेम, तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ सपोज आकाश। ठीक है, इसके बाद देखिए बोल रहा है एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, तो मैं हिंदी का मार्क्स एंटर कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ 85। एंड इसके बाद इंग्लिश के मार्क्स मांग रहा है, तो यहाँ कर देता हूँ सपोज 90। एंड इसके बाद में मैथ्स के मार्क्स, तो यहाँ कर देता हूँ सपोज 78। एंड इसके बाद में साइंस के मार्क्स, तो यहाँ कर देता हूँ 65। एंड इसके बाद में कंप्यूटर के मार्क्स, तो सपोज कर देता हूँ 98। ओके तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, तो स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट करेगा, स्टूडेंट का नेम प्रिंट करेगा, और उसके बाद में जो टोटल मार्क्स हैं वो प्रिंट करेगा, और उसके बाद में जो परसेंटेज होगी उसको डिस्प्ले करेगा। ओके तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए रोल नंबर 5, नेम आकाश, टोटल मार्क्स 416 एंड परसेंटेज 83.2। ओके इस तरीके से इसने कैलकुलेट कर दिया है। ओके तो आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए लैब सेशन के सारे प्रोग्राम, आई होप आपको सारे प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे। तो स्टूडेंट अब आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, जितने भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटी थी इस चैप्टर में वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है इंक्लूडिंग लैब एक्टिविटी। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 7। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।